एनसीपी में दो फाड़ के बाद पहली बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे हैं। आज ही अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को शिंदे सरकार में अहम मंत्रालय मिले हैं। जिन मंत्रालयों के लिए लगातार राड चल रही थी और उसके कुछ ही घंटों बाद शरद पवार से मिलने के लिए कई मायने इस मुलाकात के भी निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार जब पहुंचे, कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार की जो पत्नी है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी आज सर्जरी होनी है और उन्हीं के हालचाल जानने के लिए वो पहुंचे हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटे भी मौजूद थे। पूरा परिवार करीब 30 मिनट तक शरद पवार के घर पर रहा। तो अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। जानकारी मिल रही है कि शरद पवार की पत्नी की आज सर्जरी होनी है, उनके लिए भी अजीत पवार ने बयान दिया है कि उनके स्वास्थ्य की वो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अजीत पवार को आप देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर ओक से अब वो निकल चुके हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। आपको बता दें शरद पवार की जो पत्नी है प्रतिभा पवार, आज उनका एक माइनर ऑपरेशन हुआ था ब्रीच कैंडी अस्पताल में, जिसके बाद आज ही उनको डिस्चार्ज दिया गया। सुप्रिया सुले को भी ने इस पूरे मामले को पूरा ट्वीट किया था, जिसके बाद पहली बार ये जिस तरीके से पूरा एनसीपी का ब्रेकअप हुआ उसके बाद आज पहली बार अजीत पवार सिल्वर ओक आए और यहाँ पर जो है उन्होंने भेंट दी और यहाँ पर किस तरीके से पहले से सुप्रिया सुले, शरद पवार सभी लोग मौजूद थे और परिवार के लोगों से भी मिले। आधे घंटे तक अजीत पवार यहां पर सिल्वर ओक में मौजूद थे और अब वो यहां से निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया जुड़ गए हैं। सौरभ, बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। एक तो ये कि जिन मंत्रालयों के लिए राड चल रही थी बहुत लंबे समय से, वो तमाम क्रीम मंत्रालय मिल चुके हैं अजीत पवार को और उसके बाद वो मिलने पहुंचे हैं शरद पवार से। तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे कि क्या सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए मिलने के लिए पहुंचे या फिर मंत्रालय मिलने के बाद एक बार फिर से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं शरद पवार के पास अजीत पवार। जी देखिए, इस जो मुलाकात हुई है उसके कई सारे मायने निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अजीत पवार खुद सिल्वर ओक जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जब अजीत पवार ने शरद पवार से नाता तोड़ा, पॉलिटिकली अपने सारे एमएलए को लेके वो बाहर आ गए, तब हमने देखा कि एक दूसरे के ऊपर जो टिका टिप्पणी हुई, शशि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार ने अपने जो गुरु है शरद पवार के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट यूज किए। लेकिन एक तरीके से आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है सारे लोगों को कि भले हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन एज अ फैमिली अभी भी हम एक है। फैमिली की बात करें तो सुनील तटकरे ने जब आज तक से बात की तो उनका ये कहना था कि इसे सिर्फ एक फैमिली तौर पर देखे कि उनके परिवार का कोई वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट था और उनको देखने के लिए वो वहां पे पहुंचे। शरद पवार की जो बीवी है प्रतिभा पवार, उनका ब्रीच कैंडी में आज माइनर ऑपरेशन हुआ, आज ही उनको डिस्चार्ज भी मिला। डिस्चार्ज मिलने के 15 मिनट बाद अजीत पवार वहां पहुंचे। लेकिन शशि आप समझिए कि माहौल कैसा हुआ रहेगा, इतने सालों से वो जुड़े हुए थे, आज उनसे जब अलग हुए हैं, ऐसी ऐसी टिका टिप्पणी हुई है, तो जब नजरें मिली होगी एक ही घर में, जब आज सब शरद पवार, उनकी पत्नी, साथ ही सुप्रिया सुले, उनका पूरी परिवार, अजीत पवार का पूरा परिवार, उनकी बीवी, साथ ही पार्थ पवार जिनका भी पॉलिटिकल करियर है, वो भी वहां पर मौजूद थे, तो सारा का सारा परिवार एक साथ, पवार परिवार एक साथ था। लगभग आधे घंटे तक जो पवार परिवार था अजीत पवार का, वो वहां पर अंदर मौजूद था। खुद शरद पवार, सुप्रिया सुले सभी अंदर मौजूद थे। इसे कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली नहीं था, लेकिन जरूर इसमें कई सारी बातें निकल के आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज अजीत पवार वहां पर पहुंचे हैं, तो इसके कई मायने निकलते हैं। बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार की पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर कहा है कि मैं उनके अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि वो उनके लिए प्रार्थना करें और वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर जाएं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें बड़े दुख है कि उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है, क्या हुआ है पता तो नहीं है, मगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द अस्पताल के बाहर दुरुस्त होकर आए। तो शपथ के 13 दिन के बाद आखिरकार अजीत पवार के गुट को मंत्रालय मिल ही गए हैं। शिंदे सरकार में 9 मंत्रियों ने शपथ ली, वो वही 7 बड़े मंत्रालय अजीत गुट को मिल गए हैं। लंबी माथापच्ची के बाद जो मंत्रालय अजीत पवार खेमे को मिले हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो शिंदे गुट पर भारी पड़े हैं।
एक ओर महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे का ऐलान हुआ और फौरन ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया। ये वही मंत्रालय है जिसे लेकर 2 जुलाई की बगावत और शपथ ग्रहण से लेकर अब तक पेंच फंसा हुआ था। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा था। बताया जा रहा था कि अजित पवार गुट वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़ा हुआ है। अब जब महाराष्ट्र में मंत्रालय का बंटवारा सामने आ गया है तो इस बंटवारे में अजित पवार का दबदबा साफ दिख रहा है, क्योंकि अजित पवार गुट के कोटे में 7 महत्वपूर्ण मंत्रालय आए हैं। अजित पवार को वित्त के अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा हसन मुशरीफ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति छगन भुजबल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन धर्मराव अत्राम, खेल अनिल भाईदास पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का जिम्मा अदिति तटकरे को मिला है। जे मेडिकल कॉलेजेस है या शासनाचे जिथे हॉस्पिटल्स ही आहेत, म्हणजे जिथे सरकारी हॉस्पिटल आहे जिथे मेडिकल कॉलेज आहे तिथेच हे हॉस्पिटल्स आहेत। आणि त्यामुळे माझा प्रयत्न असा राहील की या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये गरीब माणसाची सेवा कशी होईल, त्याला चांगला उपचार कसा देता येईल। आता अनेक सुविधा सुविधा नसल्या तर त्या कशा देता येतील, आणि गरीब माणसाला या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचं मनच होऊ नये अशा प्रकारच्या चांगल्या सुविधा कसा देता येतील याचा प्रयत्न मी प्रामाणिकपणे करेन। आज फिर एक बार उन्हीं की सरकार में, जब शिंदे साहब खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार में अजीत दादा पवार वित्त मंत्री भी बन गए, उपमुख्यमंत्री भी बन गए, और आज सभी विधायकों को फिर से एक बार अजीत दादा के पास अपने कामों के लिए, अपना फाइनेंस लेने के लिए, अपने विभाग के अन्य प्रश्नों के लिए जाना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि पिछले साल जो बगावत हुई और जिस प्रकार का आरोप लगाया गया वो आरोप ये नहीं था, वो आरोप पूरी तरह से गलत था। आज की पर्याप्त परिस्थिति में ये कहना मुमकिन है कि पिछले साल जो बगावत हुई वो प्योरली निजी कारणों से हुई, उसमें किसी भी प्रकार से जो आरोप बताए गए वो सत्य नहीं थे। महाराष्ट्र में मंत्रालयों के ऐलान के साथ ही विरोधियों का हमला भी शुरू हो गया है। एनसीपी शरद पवार गुट सवाल उठा रहा है कि जिस सहकारिता मंत्रालय में घोटालों का आरोप लगाते हुए बीजेपी अजीत पवार पर हमला बोल रही थी, अब उनके गुट को ही वही मंत्रालय सौंप दिया है। वहीं उद्धव गुट मंत्रालय के बंटवारे के बाद सीएम शिंदे पर तंज कस रहा है। काफी समय से भाजपा श्री अजीत पवार जी पर सहकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही थी। कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार में अपने सहकार मंत्री पद को अजीत पवार ग्रुप को देने जा रही है। सवाल ये है कि क्या भाजपा उन पर दबाव डालने के लिए ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी? क्या ये उनके वॉशिंग मशीन स्कीम का अंग है? या सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब भाजपा भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है? बड़ी बात ये भी है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों को ही कई अहम मंत्रालय अजीत पवार गुट को सौंपने पड़े हैं। सीएम एकनाथ शिंदे खेमे के नेता अब्दुल सत्तार के पास अब तक कृषि विभाग था, जो अब अजीत गुट को मिल गया है। बीजेपी ने गिरीश महाजन के पास से मेडिकल शिक्षा और खेल वापस लिया है, जो एनसीपी के नेता हसन मुशरीफ को सौंपा गया है। महाराष्ट्र में मंत्रालय का बंटवारा हो गया, लेकिन एनसीपी पर दावे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शरद पवार गुट की ओर से अजीत पवार और उनके समर्थकों को निलंबित करने की अपील की गई है। मेरे पास इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। मेरे पास आज राष्ट्रवादी विधिमंडल गट के सभी सदस्यों की यादी है, उनमें से किसी ने भी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि उनमें किसी प्रकार का विभाजन या स्प्लिट हुआ है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच शिंदे गुट के लिए मुश्किल बढ़ती दिख रही है। अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है और स्पीकर से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू करने के आदेश दिए हैं। अब तक मेरे पास कोई भी नोटिस या पिटीशन की कॉपी आई नहीं है, और इसीलिए ये प्राप्त होते ही मैं इसके ऊपर अभ्यास करूंगा और आगे का निर्णय लूंगा। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पास लंबित शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर
जल्द फैसला लेने की अपील की थी, जिसे लेकर अब शीर्ष अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं, वो मंत्रालय के बंटवारे के बाद भी पूरी तरह से स्थिरता के संकेत नहीं दे रहे। अगर स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार और सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, आज तक।